25 मई 2020 केरला में क्या हुआ है सब जानते हैं। जो नहीं जानते वो जाके गूगल कर लें, सर्च करना एलिफेंट, और जो रिजल्ट आएगा वो है आज के इंसान की बची हुई इंसानियत, आज का बचा हुआ इंसान और जानवर के बीच का फर्क। वो बेचारी बेजुबान भूखी हथनी, उसको एक फल में बारूद मिलाकर खिला दिया, कितना दर्द हुआ होगा उसे, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, इस बात का जरा भी अंदाजा है आपको? या आप में मुझ में उतनी सहन शक्ति है उस दर्द को सहन कर पाए? मुझ में तो नहीं है। मैं कभी खाना भी खाता हूं तो मुझे जरा सी मिर्च लगती है तो मेरे मुंह से सीधा आवाज निकलती है, माँ पानी दो, माँ पानी दो, आंसू निकल आते हैं मेरे। वो बेजुबान किसी से कुछ कह नहीं पाई, 3 दिन तक अपने दर्द को सहते हुए पानी में बैठी रही। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं रोज हमारे यहाँ होती हैं। कभी किसी कुत्ते की पूंछ पर रॉकेट लगाकर उस पर अत्याचार करते हैं और लोग खुद आनंदित होते हैं, कभी खुद अपने हाथों से काट कर उन्हें खाते हैं। आज कई सारे लोगों से हटने के लिए अपना दुख प्रकट करने का ढोंग स्टेटस और अपने पोस्ट के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है, कल वो खुद इस चीज को दोहराएंगे। गाय, मछली, बकरा इन सबको खुद काट कर खाएंगे। कई लोगों को ये बातें बुरी लग रही होंगी, चुभ रही होंगी ये बातें, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके खिलाफ बोलता था, बोलता हूँ और हमेशा बोलता ही रहूंगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज भी हमारे सामने है, कोरोना वायरस, जो एक जानवर पर हुए अत्याचार के परिणाम स्वरूप हमारे कलमों का फल हमें मिला है। अब कई लोग कहेंगे कि मछलियाँ और ये बकरे, ये सब मुर्गियाँ काटने के लिए बनी है, इनको दर्द तो होता नहीं है, ये कुछ कहती नहीं है, ये बेजुबान है। तो भाई साहब, कभी उनकी आंखों में देखना, जो दर्द आपकी जुबान बयां नहीं कर सकती उससे कई ज़्यादा उनका दर्द उनकी आंखें बयां करती हैं। कितना कुछ कहना चाहती हैं उनकी आंखें, कभी गौर से देखना। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ वो हथनी पर हुआ अत्याचार नहीं है, उन सभी जीवों के ऊपर है जिन पर रोज़ अत्याचार हो रहा है। फर्क बस इतना है कि जब कोई ऐसे बड़ा हादसा होता है, बड़ा कोई अपराध करता है, तो उसे हाईलाइट करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, मगर जो रोज़ अत्याचार हो रहा है उनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो आपको प्रोटीन देते हैं, वो आपके जिम की डाइट है, वो आपके खाने के लिए बने हैं। अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि आप उन्हें काट कर और खाकर सही कर रहे हैं, तो एक बार उन्हें काटने से पहले खुद को तकलीफ देना, खुद को नोचना, अगर आपके चेहरे पर वो दर्द नजर ना आए तो बेशक उन्हें काट लेना। जिसको ये वीडियो बुरी लगी हो वो डिसलाइक करे, कमेंट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट करता है, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन, और दिखा दो सबको कि हम इसके साथ हैं, और आगे से हम ऐसा किसी के साथ अपराध होने नहीं देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसा करने की।